नमस्ते भाइयों, आज जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका आपके सामने ये रहा। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखो, 2019 में पेपर थर्ड में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ग्रुप ए में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, एक हम चेक कर लेते हैं, क्या एक साल के अंतराल में भी पूछा गया है क्या? 2017 निकाल के एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2017, हाँ, 2017 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पिछले वीडियो की तरह हम लोग फिर से सारे ईयर को निकाल कर देखने से अच्छा है हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना? अभी तत्काल हम लोग 2019 देखे थे और 2017 देखे थे। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है। किस पर डिफाइंड है? कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। और पोसेजेज मतलब ये अपने पास रखता है। किसको पास रखता है? एक फाइनाइट डेरिवेटिव को। कहाँ पर? इन द इंटरवल। इसका मतलब है इंटरवल में मेरा फाइनाइट डेरिवेटिव है। एक बार फिर समझो, इस क्लोज इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएबल है। तब हमको दिखाना है कि ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, ये मेरा कंटिन्यूस भी होगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएबल और कंटिन्यूस। डिफ्रेंशिएबल के लिए हम लोग कंडीशन जो पढ़े हुए हैं वो कंडीशन एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएबल के लिए लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव को बराबर करते थे। लेफ्ट डेरिवेटिव क्या था? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे माइनस एच, ये मेरा लेफ्ट डेरिवेटिव था। ये बराबर होता था राइट डेरिवेटिव के। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव में एक बार माइनस एच ऊपर नीचे एंड राइट डेरिवेटिव में एच का वैल्यू प्लस रहेगा। दैट्स क्लियर। एंड अगेन इक्वल टू एफ डैश सी, ये हम लोग पढ़े हुए थे डिफ्रेंशिएबल वाले कंडीशन में। एंड अगेन कंटिन्यूस वाले कंडीशन में हम लोग पढ़े हुए थे कि एफ, एक बार सी में हम लोग एच को घटाएंगे एंड अगेन इसका एच टेंस टू लिमिट निकालेंगे। ये इक्वल होगा सी में एच जोड़ करके इसका लिमिट निकालने पर जो वैल्यू आएगा उसके इक्वल होगा। और ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू एफ सी के इक्वल होगा। डैट्स क्लियर। मतलब ये कंडीशन मेरा कंटिन्यूस का है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक, बिकॉज क्योंकि इस क्लोज इंटरवल ए बी पर ये फंक्शन क्या है? डिफ्रेंशिएबल है। दैट्स क्लियर। इसलिए हमको ये कंडीशन दिया हुआ है। हमको कंटिन्यूस दिखाना, आई मीन हमको ये कंडीशन दिखाना है। सो पहले हियर एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, इस कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं। अब जो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बारी बारी से एक बार इसको एफ डैश सी के बराबर करेंगे और हम ये वाले वैल्यू को लाएंगे एंड अगेन सेकेंड टर्म को एफ डैश सी के बराबर करने पर हम लोग सेकेंड वाले वैल्यू को लाएंगे। कंटिन्यूस वाले कंडीशन को हम लोग इस इक्वेशन से प्रूव करेंगे ना। चलो हम लोग बनाते हैं ना। फर्स्ट को इक्वल कर रहे हैं एफ डैश सी के बराबर, यहाँ पर बटे में लिमिट एच है जो कि जीरो को टेंस कर रही है। इसको हम ऊपर नीचे लिमिट के रूप में लिख सकते हैं एंड अगेन नीचे वाले टर्म को इस साइड मल्टीप्लाई के रूप में भेज लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लिमिट जो है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में लिमिट एच टेंस टू जीरो है, दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ये भी अलग कर लिए एंड इसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं। एंड अगेन जब हम इसमें एच का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा और जीरो का मल्टीप्लाई एफ डैश सी के साथ होगा तो ये सारा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो जो ये है सेम वही उतर जाएगा सी माइनस एच, क्योंकि हमको यहाँ पर एफ सी माइनस एच निकालना है। यहाँ पर मेरा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच निकल चुका है तो इसको जो है हमको अकेला करना है और देखना है कि ये किसके बराबर होता है। माइनस, अब देखो यहाँ पर h तो है नहीं, जब h है ही नहीं तो जीरो कहीं पुट नहीं होगा। ये एफ सी मेरा कांस्टेंट है तो ये मेरा कांस्टेंट के इक्वल ही हो जाएगा। ये तो हम लोग लिमिट में पढ़े हुए हैं ना। तो ये जो मेरा
फर्स्ट टर्म है एफ सी माइनस एच वाला, ये इक्वल हो गया एफ सी के इक्वल हो गया, मतलब ये टर्म मेरा एफ सी के इक्वल आ चुका है। अब हमको नेक्स्ट टर्म इसको इसके इक्वल दिखाना है। इसको इसके इक्वल दिखाने के लिए हमको डिफ्रेंसिबल का ये जो इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से सेकेंड टर्म को एफ डैश सी के इक्वल दिखाएंगे, उससे ये मेरा इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। देखो अगेन ना सेम यहाँ पर उसी तरह होगा। ओके, ये लिमिट आपका ऊपर वाले टर्म के साथ आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये जो h पर जो लिमिट था, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हम उधर राइट साइड मल्टीप्लाई के रूप में भेज देंगे, बिल्कुल इस तरह। ये नीचे में था लिमिट, इसको हम लोग राइट साइड भेजे थे मल्टीप्लाई के रूप में। सेम उसी फंडे से हम लोग इस h पर जो लिमिट है h टेंस टू जीरो, इसको हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं। ये तो टोटल जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई, ये भी जीरो हो गया, मतलब यहाँ का सारा टर्म मेरा जीरो हो गया राइट साइड का। एंड अगेन इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एंड यहाँ पर मेरा सी प्लस एच का ये कंडीशन आ चुका है जो कि हमको कंटिन्यूस में प्रूव करना था, ये तो और अच्छी बात है। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, एच का वैल्यू जीरो पुट करने पर एज अ कांस्टेंट ही मेरा हो जाएगा वैल्यू। अब हम इसको राइट साइड भेज लेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा जो हमको प्रूव करना था, हमको दिखाना था कि ये जो है एफ सी के बराबर है, सेकेंड टर्म भी एफ सी के बराबर है, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन से मेरा ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसको आप कुछ मान लो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी, ये मेरा कंटिन्यूस का कंडीशन था जो कि मेरा कंडीशन निकल गया। सो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख दो, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब ए कोमा बी में जो है एक्स बिलोंग कर रही, ये हमको प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सा ही।